हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा देश की आन बान और शान के लिए, उसको अक्षुण बनाए रखने के लिए हमेशा हर मोर्चे पर अपने सर्वस्व को देने का काम किया है। अपना संपूर्ण पराक्रम, संपूर्ण शौर्य देश को समर्पित किया है। हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से पूरा विश्व आज परिचित हुआ है, पूरा विश्व परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि अब कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है। गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जीवन के संघर्ष हैं, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सैनिकों और उसकी वीरता पराक्रम, उनसे उसका परिचय हो, वो परिचित हों, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है, अपनी जवानी लगाई है, अपनी जिंदगानी लगाई है, उनसे भली भांति उनका स्मरण भी रहे, उनसे हमारी नई पीढ़ी परिचित भी हो। इस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हमने उत्तराखंड के अंदर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पांचवें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम, हमने भव्य सैन्य धाम के निर्माण का संकल्प लिया था। वह तेजी से अभी आगे बढ़ रहा है। अभी इस समय में हमारे यहाँ पर एक आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, और वो आपदा है हमारे जोशीमठ शहर, जो कि एक हमारे लिए पौराणिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, एक प्रमुख हमारा धार्मिक केंद्र है। वहाँ पर लगभग 270 परिवारों को अभी हम लोगों ने विभिन्न राहत शिविरों में शिफ्ट किया है। पुनर्वास की बात है, वहाँ पर राहत की बात है या मुआवजे की बात है, उस सब को लेकर जहाँ राज्य की सरकार काम कर रही है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से लगातार वहाँ के बारे में उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं कि अभी हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं पर ओली में विंटर्स गेम्स होने वाले हैं, तो जिसके कारण से कि लोगों के मन में पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तराखंड सभी के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और पिछले साल की जो यात्रा हुई हमारी, उसमें 50 लाख लोगों ने उस यात्रा में उन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन करे, और इस बार की यात्रा उससे भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम यात्रा और अच्छी हो। पिछले साल जो यात्रा में जो और कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। इस बार हम पहले से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा अनुमान है। जगह जगह जिस प्रकार से आज होटल के लोगों से बात की जा रही है, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों से क्वेरी की जा रही है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जितनी संख्या पिछली यात्रा में आई है, उससे कहीं संख्या इस बार और ज़्यादा आने वाली है।